हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोडर सिंह और आज हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर के बारे में। सो रिएक्ट राउटर के बाद मैं एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करूँगा, विच वॉज रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ द व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ऑफ द चैनल। एंड आई एम सो सॉरी, कभी कभार मैं बहुत जल्दी रिक्वेस्ट आपकी पूरी नहीं कर पाता हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ा प्रेशर है जॉब का एंड स्टार्टअप का। बट जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी कोशिश करता हूँ, जब भी टाइम मिले। एंड बिकॉज आई रियली रियली लव टीचिंग एंड आई होप दिस ट्यूटोरियल विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू रिएक्ट राउटर टू मेक मल्टी पेज एप्लीकेशन। सो वी विल लर्न हाउ वी कैन यूज़ रिएक्ट राउटर टू मेक मल्टी पेज एप्लीकेशन। So, React. I have created a project using Create React App. ये कमांड यूज़ करके क्रिएट रिएक्ट ऐप रिएक्ट राउटर टूट करके मैंने एक बनाया था। एंड वी कैन ओपन इट अप इन कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। दिस इज समथिंग आई रियली लाइक एंड बिकॉज वी कैन हैव अ इंटीग्रेटेड टर्मिनल इन इट। एंड वो होता है कंट्रोल control something से। ओके यस, या सो वी कैन दिस यार एड रिएक्ट राउटर डॉम। सो वी विल बी डूइंग यार एड एंड रिएक्ट राउटर डॉम। ये एक डिपेंडेंसी हमें डालनी पड़ेगी, आप npm इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मेरे पास यार है, आई एम डूइंग यार। सो दिस अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड यान एड। ओके हाँ, सो नाउ इट विल बी वर्किंग। देर वॉज एन एरर, वेट लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्टेड। मे बी मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी है, आई डोंट नो। यस आई थिंक मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी थी। और RUTER, ओके आई डिड रिएक्ट के जगह रिएट लिख दिया था, दैट वॉज सो स्टूपिड। एनी वे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडेक्स डॉट जे एस में जाएंगे। येस, इंडेक्स डॉट जे एस, ऐप डॉट जे एस में नहीं। एंड यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे एक ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर इज़ लाइक द किंग ऑफ कम्प्लीट दिस थिंग। तो हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे लाइक ब्राउज़र राउटर फ्रॉम ऑब्वियसली रिएक्ट राउटर डॉम। ओके आई एम सॉरी सॉरी फॉर दैट थिंग। सो ब्राउज़र राउटर को हम कॉपी कर लेते हैं एंड ऐप के को ऐप के ऊपर डाल लेंगे। एंड जो ऐप है उसको हम ब्राउज़र राउटर के बीच में डाल देंगे। सो दैट अ कंप्लीट ऐप इज कवर्ड बिटवीन दीज टू थिंग्स, ब्राउज़र राउटर। एंड फिर हम ऐप पे जाते हैं एंड वी विल क्रिएट, इसको हम एक नॉर्मली एक बना लेते हैं कोई भी कंपोनेंट। Let's suppose const a, it's a component and ऐसे एक और हम कॉम्पोनेंट बना लेते हैं const b, which will be return h1 H1 टैग लगाते हैं। दिस इज कॉम्पोनेंट बी पेज एंड हम यहाँ पे जो है एक लिंक बनाएंगे। सो वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम।
एंड जो लिंक को हम टू इस पे कर देंगे ए कॉम्पोनेंट, इसको हम ए नाम दे देते हैं. लेट्स मेक बी को, इसको एक डेप टैग में हम ड्रॉप कर देते हैं. सो हम इसको ए नाम, इसको ए दे देते हैं, उस ऊपर वाले को बी नाम दे देते हैं. सो जस्ट कि हमारा ये जो फर्स्ट जो मेन पेज हम खोलें तो हमारा ये कंपोनेंट आए इंस्टेड ऑफ बी कंपोनेंट, सो दैट वी कैन रीडायरेक्ट इट टू डैट पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट. सो अब इसके अंदर जो है क्या आएगा, इसके अंदर हमारा आएगा स्विच. स्विच के अंदर स्विच टैग है विच इज बाय रिएक्ट राउटर एंड यू कैन एड स्विच ओवर हियर. स्विच राउट ये सब इसके अंदर आ जाएंगे. तो स्विच टैग के अंदर हमारे सारे राउट्स आते हैं, राउट्स इन द सेंस जितने भी हमारे यू आर एल आते हैं इसके अंदर आते हैं. तो इधर देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जैक्ट एंड पाथ. मैं अभी समझाता हूँ एग्जैक्ट पाथ का मतलब क्या होता है, करके दिखा देता हूँ. सो वी विल हैव कंपोनेंट ए इन इट एंड सिमिलरली हम कट पेस्ट कर देते हैं इसको. इसके अंदर हम एग्जैक्ट पाथ नहीं लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं बी. सो वी विल हैव बी कंपोनेंट इन इट. आई होप चल जाए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. यान स्टार्ट, अब NPM स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इफ देयर इज एनीथिंग गाइस आपको समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, यू कैन राइट मी एन ईमेल, यू कैन कमेंट ऑन YouTube itself, and definitely I'll help you guys out. Let's load. So this, see, as you can see, इसके अंदर सबसे पहले हमारा B page load हुआ है. And if I go to A component, तो हमारा sorry, if I go to B comp This is मैं नाम चेंज करना भूल गया, I'm so sorry. This is A page and we will go to a B component वाला page. So B component is the same जो हमारा React वाला होता है. So you can see this is A page and if you go to B component तो हमारा ये आ जाता है. So exact path का मतलब in the sense कि B के आगे मैं कुछ भी लिख दूँ I will be redirected to B page only. लेकिन इसके अंदर आई मीन ऑब्वियसली विदाउट स्लैश नहीं बट विद स्लैश, हाँ अगर मैं सिर्फ एग्जैक्ट इसमें भी लिख देता हूँ, हम इसके अंदर भी एग्जैक्ट लिख देते हैं बी कॉम्पोनेंट में विच इज आर एग्जैक्ट. आई एम सॉरी इधर नहीं, हम इधर लिखेंगे एग्जैक्ट. सो एग्जैक्ट मीन्स कि एग्जैक्टली वही यू आर एल होना चाहिए, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ. सो एज यू कैन सी पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा है. इफ़ आई रिमूव दिस एंड ओनली गो टू बी देन इट्स वर्किंग वेरी प्रिटी गुड. सो इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल टॉक अबाउट कि हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन रिएक्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं. लेट्स सपोज दिस अ होम पेज एंड यहाँ पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ. लॉग इन के बाद मैं अपने एडमिन पेज पे मैं कैसे जा सकता हूँ एंड कैसे लॉग आउट कर सकता हूँ यूजिंग लोकल स्टोरेज सेशंस. सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो. आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि आप जब भी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं नए वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊँ आप लोगों के लिए और ऐसे ही हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते रहें. सो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड टिल नेक्स्ट टाइम टाटा बाय.